हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे। मेटल क्या होते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें कि आज क्या कवर करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, तो इस वीडियो में हम लोग ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर, दे रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को एयर की प्रेजेंस में, एयर में जब जलाया जाता है, तो एयर में क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है। तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है, इसका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर होता है। ये इसका पता कैसे चलता है कि जब इसको रेड लिटमस पेपर से इसको पास किया जाता है, तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो रही है, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। सोडियम पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम और सोडियम, ये मेटल जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये रूम टेम्परेचर पर भी रहेंगे तब भी ये क्या होंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, और जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनको एयर में खुला नहीं छोड़ते हैं, और इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अनदर मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव इज लिथियम। और इनके अलावा, पोटेशियम और सोडियम के अलावा, एक और मेटल है जो कि बहुत रिएक्टिव होता है, उसका नाम है लिथियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल एल्कली मेटल्स है। तो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं, घुलते नहीं हैं। बट सम ऑफ मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व होके क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। जो मैग्नीशियम जो मेटल होता है, वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम करते हैं, ऐसे ये मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं होता है। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम पोटेशियम। जो मैग्नीशियम होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम से। इसको क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। अब नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम भी, जो एल्युमिनियम होता है, वो लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम से भी ये क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, और एल्युमिनियम और कम रिएक्टिव है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, उनका नेचर बेसिक होता है। बट सम ऑफ मेटल ऑक्साइड सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो मेटल होता है एंड जिंक मेटल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। जब एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं, जब इनका एसिड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे और बेस के साथ भी अगर रिएक्शन कराते हैं, तो दोनों में ही वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, आयरन। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन ऑक्साइड बनता है। जो आयरन आयरन होता है, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ये जिंक से लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी की एक सीरीज है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको समझाऊंगी। अभी आप लोग इतना समझो कि आयरन जो है इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, कॉपर। कॉपर को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर में जब बर्न किया जाता है, तो वो भी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर इज लेस रिएक्टिव
रिएक्टिव देन आयरन, जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है ये देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।